आईपीएल सीजन 2022 में लोगों को लगा कि इस बार रैना शायद नहीं खेल पाएंगे और जिसके चलते फैंस काफी नाराज भी हुए। लेकिन हाल ही में आई एक खबर से लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल आईपीएल के 15वें सीजन से पहले ही गुजरात टाइटंस को एक बड़ा झटका लगा। गुजरात टाइटंस के ओपनर जेसन राय ने परिवार के साथ समय बिताने के लिए आईपीएल के इस सीजन से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस बतौर रिप्लेसमेंट एक नए खिलाड़ी की तलाश में जुट गया। वहीं आपको बता दें कि जेसन रॉय के नाम वापस लेने के बाद गुजरात टाइटंस के फैंस सुरेश रैना को टीम में शामिल करने की मांग करने लगे। दरअसल फैंस का कहना है कि सुरेश रैना जेसन रॉय की जगह पर गुजरात के लिए शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं। ट्विटर पर रैना के खेल को लेकर कई फैंस मांग कर रहे हैं कि रैना इस फॉर्मेट के महान खिलाड़ियों में से एक हैं और इसीलिए इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि रैना की वापसी के लिए आईपीएल का नियम क्या कहता है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय और सुरेश रैना मेगा ऑक्शन में एक ही प्राइस पर थे। वहीं जेसन रॉय को गुजरात ने बेस्ट प्राइस बोली पर ही खरीद लिया, लेकिन रैना अनसोल्ड रह गए। अब इस ब्रैकेट पर अगर कोई खिलाड़ी लीग से बाहर होता है तो सुरेश रैना के पास लीग में वापसी करने का मौका बनता है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक टीम बतौर रिप्लेसमेंट किसी अनसोल्ड खिलाड़ी को ही शामिल कर सकती है, लेकिन खिलाड़ी सेम ब्रेस प्राइस ब्रैकेट में होना चाहिए और सुरेश रैना इस नियम के अनुसार बिल्कुल फिट हैं। हालांकि गुजरात किसी विदेशी खिलाड़ी को शामिल करना चाहेगी या वह सुरेश रैना पर दांव लगाएगी, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैना ने चेन्नई सुपर किंग और गुजरात लायंस के लिए आईपीएल में हिस्सा लिया है। रैना को मिस्टर आईपीएल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लीग में 205 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इनके नाम 32 की औसत से 5528 रन है। इतने शानदार रिकॉर्ड के बाद भी रैना के अनसोल्ड रहने से लोगों को काफी हैरानी हुई थी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या रैना की इस आईपीएल में वापसी हो पाती है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, रैना गुजरात के लिए एक सही चॉइस है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल एज एजेंडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।